पता है हम लोग कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हैं, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी काम, तो हमें कोई भी कुछ बोल देता है ना तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, लगता है ना जब हम लोग कुछ करने में लगे हों अगला कोई समझे नहीं। लेकिन उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है इंसान, जो कि हमारा लाइफ पार्टनर है, अगर वो इंसान ये कह दे कि मैं समझ रहा हूँ कि मतलब कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपके अभी बताऊँगी, लेकिन अगर वो इंसान ये कह दे कि मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि तुम किस तरह से मैनेज कर रहे हो, तो डीजे सर ने मुझे क्या लाइन बोला कि तुम जिस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हो ना, या फिर उन्होंने मुझे देखा है, हर सिचुएशन में देखा है, तो उन्होंने एक बात बोली कि तुम जिस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हो ना, कोई हर कोई नहीं कर सकता, कोई का नहीं कह सकते लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो बस हमें लाइफ में हमेशा से, मुझे लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ना उन वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या अपने मन में रखते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है, बाकी और किसी का नहीं। वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि तुम जो जिस काम में लगी हो, जो करना चाह रही हो ना, मेरा पूरा 100% सपोर्ट है तुम्हें, और कौन क्या कहे क्या नहीं कहे। क्योंकि एक बात बोलूँ मैं तो, कोई भी घर की किसी भी लेडीज़ की बात कर लो, जब कोई कुछ मतलब होता है ना कि एक हाउसवाइफ हुई, सबको सब कुछ तैयार कर कर के देना, सारी चीज़ें पड़ोसना कहते हैं एक तरह से, प्लेट में सब कुछ पड़ोस के देना, तो लोग ना बहुत तारीफ़ करेंगे। और जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी चीज़ें करने में लगोगे ना, तब आपको देखना चाहिए कि कौन आपका सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। उस वक्त जो सपोर्ट कर रहा है ना वही आपके असली अपने हैं। तो मेरे लिए ना डीजे सर का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। तो चलिए और लगते हैं अपने काम में, रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं है तो सब कुछ भगवान भरोसे है, हम तो बस अपने काम कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं रख सकते हैं ना। और यहाँ पे ना दोनों की मालिश करनी थी और खिलाना था दोनों को, तो मैं दोनों बैठ जाते, एक ही साथ खाएंगे, एक ही साथ दोनों की मालिश भी होनी चाहिए। अनमोल आजकल ऐसे कर रहा है, तो बस तो कैसे कैसे मैंने करके इन दोनों की सेवा में मेवा है, तो बस वो किए। और नवरात्रि की वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, हमारी लाडो रानी कांच एकदम गंदा है लेकिन छू छू के देख रही हैं, और यहाँ पे इसकी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि लाडो रानी चैनल पे एक शॉर्ट गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मुझे लगी हुई थी कस के भूख, तो मैं लेके आई हूँ चीनी पानी घोल कर, एक गिलास पानी और उसके साथ बिस्किट, क्योंकि सुबह मैंने खाया था, गीला चावल बनाई थी ना तो मैंने भी खा लिया था, लेकिन ये दोपहर की क्लिप है तो मुझे लगी थी कस के भूख, और लाडो रानी सोई नहीं है तो मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, कैसे खाऊँ क्या खाऊँ, तो मैं यही शॉर्टकट में लेके आ गई हूँ। और मुझे इसके बाद DIY भी करने हैं, तो बस को मैडम को कैसे भी करके सुलाते हैं ताकि मेरे आगे के काम हो पाए आराम से। तो ये बिस्किट इंजॉय करते हैं और इससे काफ़ी सारी एनर्जी मिल ही जाएगी मुझे ऑब्वियसली। और मेरा आज मन था कि मैं पूड़ियाँ तलूँ, और वो नमकीन पूड़ियाँ होती है ना, वो कैसे झाक रही है लड्डू, तो नमकीन पूड़ियाँ होती है ना वो तलने का मन था, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि लाडू रानी सोई ही नहीं है। और पता जैसे ही रूम खोलूँ इसको सुलाने के बाद, तो अनमोल चिल्लाने लगे ताकि जग जाए लड्डू, तो मैंने इन दो चक्करों में ना रह जाती हूँ ऐसे ही बीच में अटके हुए। बट ठीक है, डीजे सर आएंगे तो एटलीस्ट रूम में संभाले, या फिर जब फ्री रहेंगे तब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाया करूँगी आप लोगों के साथ, रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो लड्डू सोई नहीं और मुझे भूख जो था मेरा वो बिस्किट पानी से शांत नहीं हुआ, तो मैं फिर आ गई थी कि देख रही थी किचन में क्या खाऊँ क्या बनाऊँ, मिक्सर था तो शायद ख़त्म है, और फिर मैंने देखा कि मैगी ही मिल रहा है, तो मैगी चढ़ा दी थी, और इतने में ना हाँ मम्मी को दे दी थी लड्डू को, क्योंकि मुझे DIY करना था, तो मैं जल्दी जल्दी आई कि ये वाला वीडियो बना लेती हूँ। DIY भी मैंने कर लिया, बहुत अच्छे से मांगती क्या बनाई, और मैं सोची ना कि ये शाम में बहुत अच्छे से रेडी होकर अपनी वीडियो लूँगी, लेकिन क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊँगी, और इसके बनाने के वक्त क्या हुआ वो भी अभी आपको दिखाऊँगी। उधर मैगी मैंने एकदम धीमी आँच पर चढ़ाया, जल्दी जल्दी DIY करी, और DIY करने से ज़्यादा समय तो मुझे लग जाता है इन सभी चीज़ों को समेटने में। पता है मैं सोच रही हूँ कि एक DIY वाली ना टेबल ज़रूर तैयार करवा लूँ, जिसपे कि मेरी सारी चीज़ें ना उसमें ही ना पूरी ड्रॉर्स वगैरह बनवा दूँ, जिसमें कि मुझे इतना समेटना और ये सब ना करना पड़े, फटाक से वहीं बैठी टेबल पे और निकाली नीचे आसपास से सामान और बनाई और फिर वहीं पे जल्दी जल्दी डाल दी। अब मैं इसको यहाँ पे सेट करती हूँ सबको, फिर मुझे सीसी की चीज़ है तो वो मुझे इस हिसाब से रखना है कि कहीं गिरे पड़े नहीं, और सबसे मेन चीज़ कि अनमोल की पहुँच से बहुत दूर रखना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चाहे मैं कितनी भी हड़बड़ में रहूँ ये सब काम मेरा
थोड़ा सा ऐसे करके मुझे करना पड़ता है। और ये बस सूखने के लिए रख देते, अब ये सूखा नहीं है, बिल्कुल गीला गीला सा है, अच्छे से सूख जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इसके ईयर रिंग्स बनाऊँ, और हाँ बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी है ऑनलाइन जो कि मुझे ये सब बनाने के लिए ही चाहिए। ईयर रिंग्स बनाने के लिए वो जो पूरा सेट किट आता है ना वो है ऑर्डर किया है, उसके साथ क्ले ख़त्म है तो क्ले ऑर्डर किया है। तो ये सब चीज़ें एक से दो दिनों में या दो चार दिनों में ऐसे करके एक एक करके आएँगी, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करूँगी। एक बिल्कुल नया चीज़ ऑर्डर किया है जो कि है टूल्स, और पूरा का पूरा किट है, इयर रिंग्स बनाने का है, नेक पीस बनाने का है, तो वो सब देखते हैं। लेकिन देख मेरा मैगी सट गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, तो जैसे जैसे आएंगी ना मेरी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि जब बना ही रही हूँ वीडियो, सबसे मेन चीज़ ना बहुत सारे डिमांड आ रहे थे क्लिप बनाने के लिए, तो क्लिप के लिए एलिगेटर क्लिप्स थे नहीं मेरे पास, तो ये सब ऑर्डर किया। देखते हैं क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। और ये देखो मेरा मैगी। और हाँ, यहाँ पर ना हम राजस्थान में जहाँ पहले मैं जाती थी वहाँ DIY की, मैं ना पहले भी DIY वाली चीज़ें करती थी, वीडियोज़ नहीं बना पाती थी, तो मैं सोची हूँ कि एक दिन जाऊँगी और दिवाली के बाद चीज़ें सर अगर रहें तो दिवाली के बाद उनके साथ जाऊँगी वहाँ, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी और आपको पूरा दिखाऊँगी। इतना बढ़िया शॉप है, बहुत अच्छा है। तो ये अनमोल ने डाल दिया फ़ोन पापा का अंदर बैठ के, तो वही निकाला जा रहा है, झाड़ू वाइपर सब चीज़ें खुद ही लेके आ गया कि मैं तो फ़ोन निकाल रहा हूँ, पापा को भी पता नहीं था कि अंदर डला क्या है, तो उन्हीं का फ़ोन डला हुआ था। और मैं आई ना कि मैं रेडी हो जाती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ, तब तक मैं अनमोल को भूख लगा था तो उसको मैंने बेला फुसलाकर चावल खिलाया, फिर मैं रेडी होने आई तो लड्डू जग गए, तो बस तो ये चल रहा था। और मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे मेरे आंसू निकल आए हैं, बस ये सोची मेरी वीडियो नहीं बन पाएगी क्या आज, बट ठीक है। मैंने फिर सोचा कि मेरे व्यूअर्स ना समझेंगे इस चीज़ को, यहाँ मैं जो चीज़ें बोली हूँ ना आवाज़ ही नहीं आया, बहुत धीमे धीमे आवाज़ आया, तो मैं सोची मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर ही है ना वो भी, तो वो इस चीज़ को समझेंगे। और मैं ऐसे ही सिंपल ही ऐसे ही ले लेती हूँ सारी। यहाँ मैं ये बोल रही थी कि मुझे बनानी है वीडियो, देखती हूँ क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। और इसके बाद फिर मैं सोची कि लड्डू को सुलाऊं तो लड्डू नहीं सोना चाहती थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं आज मैं इसके साथ ही अपनी वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद रात में मैं सोच रही थी कुछ बनाऊं खाने का, लेकिन लड्डू आज पता नहीं क्यों रहना नहीं चाह रही थी, तो फिर मैं छोड़ ही दी, क्योंकि अनमोल को मैंने गीला चावल खिला दिया था। और मैं सोची कि मैं दूध पी लूँगी, दो तीन गिलास हो जाएगा ऐसे करके। और ये देखो आज तो बस, तो मैं आई थी किचन में एक बार कुछ देखती हूँ कुछ बन जाए कुछ, तो लेकिन फिर मैं सोची कि चलो रोटी बनाते हैं, और लड्डू को पपड़ी दूध की और रोटी दूध और पपड़ी ऐसे करके खिलाऊंगी, अनमोल को रोटी दूंगी, और बस यही सब चलेगा हमारा ऐसे ही काम। और आज दूध अभी चढ़ाना था मुझे, तो मैंने इसको ऐसे ही लेके चढ़ा दिया है दूध, और बर्तन भी पड़े थे तो मैं इसको थोड़ी देर बाद रखूँगी बेबी वॉकर में, और वो सब क्लीन करके और दूध पीऊँगी, अनमोल को पिलाऊँगी। और आज का रूटीन यही था, आज थोड़ी सी मैं इस तरह से थोड़ी सी मैं उलझी रह गई थी, और आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मतलब कि काम तो वैसे डेली ही रहता है, लेकिन जो उम्मीद थी ना कि मैं बहुत कुछ ये करूँगी वो सब नहीं हो पाया, तो ये रही। और मेरी आंखें आंसू से डबर डब हो गई थी इस वक्त, बट ठीक है, नहीं तो ये और है तो क्या कर सकते हैं ना। और मांगटी का कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ट्यूटोरियल वीडियो अगर चाहिए कि मैंने कैसे बनाया तो वो आप लोग शॉर्ट्स में जा करके देख लीजिएगा। और बर्ड्स मेरे मुझे यूज़ करने नहीं थे तो मैं लड्डू को दिखा रही थी एक्सप्रेशन की वो कुछ तो रिएक्ट करे, बट उसने कुछ नहीं किया लेडी। हाँ, तो बर्ड्स तो मुझे अब इस्तेमाल करने नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ DIY करूँगी, तो बताओ आप लोग क्या इसका भी पूरा सेट तैयार करूँ। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने मेहंदी वाली शेयर करी है मांगटी का, और इसमें मैंने हल्दी वाली शेयर की है, ठीक है। दोनों ही वीडियो पर आप लोग जल्दी जल्दी से व्लॉग पर 1K लाइक तो करवा ही दो, फिर मैं ना पूरा का पूरा पेयर बनाऊँगी। इतने मेहनत मेरा वेस्ट करवा दिया लड्डू ने, तैयार नहीं हो पाई मुझसे। चलो ठीक है, आप लोग बताना मांगटी का कैसा दिखा। आज पता नहीं लड्डू रानी को क्या हुआ, आज लड्डू रानी नहीं छोड़ेंगी मुझे, है ना लड्डू? आज लड्डू रानी वीडियो बनाने के लिए नहीं छोड़ेंगी, है ना लड्डू? छोड़ देगी लड्डू? अच्छा ठीक है। तो बस चलिए अब लड्डू की और अनमोल की मालिश करते हैं, मेरे सारे काम एक तरफ और बच्चों की जो भी पूरे दिन की रूटीन है वो एक तरफ, उसमें मैं 1% भी इधर उधर नहीं होने देती हूँ, भले ही मेरे सारे काम इधर उधर हो जाएं। तो यहाँ पे फिर मैं दूध निकाल रही थी अनमोल के लिए और कनिका के लिए, दूध
रोटी बनाई हूँ उसमें डालूंगी पपड़ी और सान के खिलाऊंगी दोनों को, बढ़िया से मालिश भी कर दिया है। तो बस ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इधर बर्तन सारे धो के रखे थे तो मेरे साथ में ये भी कैप्चर हो गया। वैसे मैं कैप्चर करना भूल गई थी पूरा रूटीन, आज नहीं हो पाया उतने अच्छे से, वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बना पाई, बट ठीक है जो भी है यही है सामने। और बस मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल एंड बाय बाय।